मायावती पर बनने वाली है एक बड़ी फिल्म, जिसके लिए मायावती ने भी दे दी है हरी झंडी। मायावती बायोपिक के लिए तैयार हुई। आप पहले भी देख चुके हैं, कांग्रेस के ऊपर भी फिल्म बन चुकी है, मोदी के ऊपर भी फिल्म बन चुकी है, लेकिन बहन कुमारी मायावती के, क्योंकि देश के अंदर 85% बहुजन समाज के लोग हैं और उनकी छवि को, उनके किरदार को, उनके काम को जो मीडिया छुपाती है वही दिखाने का काम कर रहा है बॉलीवुड। बॉलीवुड ने ठाना है कि बहन कुमारी मायावती की हकीकतों को दिखाना है, जो आज तक का मनुवादी मीडिया नहीं दिखा पाया है। राजनीति का दंगल अब सिनेमा घर तक पहुंच चुका है। इस फिल्म को जो बना रहे हैं वो है जॉली एलएलबी के डायरेक्टर सुभाष कपूर फिल्म बना रहे हैं। इस फिल्म के लीड एक्टर यानी कि मायावती के रोल में 8 हीरोइनों का नाम आया था, जिसमें से सिलेक्शन हुआ है विद्या बालन का। विद्या बालन को बताने की जरूरत नहीं है कि वो एक साधारण चेहरे वाली महिला हैं और उनकी बहुत सारी फिल्में सुपरहिट रही हैं। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती पर बन रही है बायोपिक फिल्म, क्योंकि देश के अंदर जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो है बहुजन समाज के 85% लोगों की, और वो इस फिल्म की जब से बात सुनी है उस फिल्म के आने का इंतजार। अभी फिल्म के बारे में सोचा गया है और बहन जी से अप्रूवल लिया गया है। मायावती पिछले 25 सालों में राजनीति में, ऐसे में उन पर बन रही फिल्म काफी कुछ दिखाने के लिए जरूर होगा। विद्या बालन अगर इस रोल के लिए प्ले करती हैं तो उन्हें मायावती के कई पहलुओं को पर्दे पर उतरना होगा। ऐसे में उनको मायावती से शूटिंग से पहले कई बार मिलना होगा। फिल्म की कहानी भी काफी रिसर्च करके लिखी होगी और इसे डायरेक्ट करते हुए भी कई बात और बारीकियों पर ध्यान रखा जाएगा। बहुजन समाज के लोगों को भी इस फिल्म के आने का बेसब्री से इंतजार है। करेक्टर कोई भी हो, डायरेक्टर कोई भी हो, लेकिन बहन जी के काम को हर एक कोई देखना चाहता है कि उन्होंने क्या करा और क्या जनता से मीडिया ने छुपाया था। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।